नमस्कार, स्वागत आप सभी का बाजारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और बाजारों की चाल में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं यहां पे कृषि फसल बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है। लेकिन कृषि फसलों का वायदा बाजार में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, आ गई है एक ऐसी ऐप जिससे आप लॉकडाउन में भी घर बैठे बैठे अपनी दुकानदारी बढ़ा सकते हैं। अगर लॉकडाउन में आपकी दुकान का शटर गिर भी जाता है तब भी आपको कोई चिंता की बात नहीं होगी, आपकी सेल एज इट इज़ बनी रहेगी। जी हाँ, सही सुना है आपने, ऐप का नाम है माई बिग ब्लिस ऐप, MYMYBIGBLISS माई बिग ब्लिस। ये एक ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ऐप है जिसके द्वारा आप घर बैठे बैठे अपनी दुकान की सेल को बढ़ा सकते हैं, बचा भी सकते हैं। लॉकडाउन रहे या ना रहे, आपकी दुकानदारी हमेशा 24 घंटे चलती रहेगी। तो तुरंत डाउनलोड करें माई बिग ब्लिस ऐप। इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं यहाँ से कमोडिटी बाजार के अपडेट की। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसा सीड का जनवरी वायदा 5806 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कैसा सीड का जनवरी वायदा 5806 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, 5864 का हाई लगा चुका है। कैसा सीड में आज हम देख रहे हैं कि करेक्शन के साथ ट्रेड दर्ज किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंडियों में कैसे की जो अराइवल्स हैं वो थोड़ी ज़्यादा देखी गई हैं, डोमेस्टिक डिमांड थोड़ी कम है, थोड़ी क्या अब कमी होती होती नज़र आ रही है। अब दूसरा और जो एक्सपोर्ट डिमांड थी कैसे सीड की, वो भी अब कहीं ना कहीं अब गुम होती नज़र आ रही है। कैसर की जो डिमांड है, चाहे एक्सपोर्ट हो चाहे डोमेस्टिक लेवल पे हो, उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली है, जिसकी वजह से कैसर सीड की कीमतों में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। और दूसरा, अब जनवरी फरवरी में अराइवल्स शुरू हो जाएंगी कैसर सीड की, जिसकी वजह से अभी और आवकों की वजह से कैसर सीड के जो प्राइसेज हैं उन पर अभी और प्रेशर बनता नज़र आएगा। तो कैसर सीड में अभी थोड़ा बिकवाली का दौर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से अब कैसे सीड में आगे क्या लेवल्स रहेंगे, क्या करके चलना सही रहेगा, आइए जान लेते हैं अपने एक्सपर्ट से। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के वाइस प्रेसिडेंट अमित सजया जी। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मांगेराम सीवी पर। नमस्कार अमित जी। अमित जी, सबसे पहले आपसे कैसे के ऊपर बात करना चाहूँगा। हमने कैसे में देखा है कि अब एक रेंज के बाद एक गिरावट भी देखने को मिली है, 5800 के लेवल्स पर सस्टेन होकर चल रहा है। सुबह आज हमने कैसे को 5700 यानी 5700 के लेवल्स पर भी ट्रेड करते देखा है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कैसर यहाँ से तेजी की ओर जाएगा या फिर यहाँ से अभी थोड़े नीचे और कीमतें देखने को मिल सकती हैं? जी, क्योंकि हमने पिछले कुछ दिनों में 6600 से 6700 के ऊपर फिलहाल प्राइजेस को जाते हुए नहीं देखा था, तो बाकी काउंटर्स के साथ एक करेक्शन हमें देखने मिली है, खास करके जब से सोयाबीन में या एडिबल कॉम्प्लेक्स में खास करके जो एक्शन ली गई है उसके बाद उसका असर हमें कैस्टर सीड के प्राइस में भी देखने मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि इन स्तरों पे फिलहाल बिकवाली नहीं करनी चाहिए, एक बाउंस बैक देखने मिल सकता है शॉर्ट टर्म बेसिस। 5720 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है डेली क्लोजिंग बेसिस, तो जब तक वो लेवल होल्ड कर रहा है तब तक जो निवेशक है हो सकता है दोबारा बाजार में आएंगे। और अपसाइड में हमें लगभग 5950 से 5980 तक के एक पुल बैक देखने मिल सकती है। तो फिलहाल मैं एक्चुअली हल्की सी गिरावट पे यानी 5780 के करीब बाइंग की सलाह देना चाहूंगा। 5720 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा और 5950 तक का टारगेट रहेगा। जी, तो यानी कि हल्के से पुल बैक पर थोड़ी हल्की सी निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है और जो अमित जी ने टारगेट दिया है उस पर खरीदारी करके चल सकते हैं। ये समय जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में जब आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी तो आपने कहा था कि बिनौला खल 3000 के भी लेवल के ऊपर ट्रेड करता नजर आ सकता है। वो लेवल हमने आज आपका अचीव होते हुए देख लिया, आपका 3000 का टारगेट हिट होता नजर आ गया है। अब आपको यहाँ से आगे क्या लगता है, अब बिनौला खल में नेक्स्ट लेवल्स क्या रहेंगे यहाँ के बाद? जी, तो जिस तरह हमारी बात हुई थी पिछले 2-3 हफ्ते से जो बात हो रही है कि 2700 का जो स्तर था वो इम्पोर्टेंट था, खास करके जो लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म बायर्स थे वो वेट कर रहे थे कि 2700 का स्तर टूटे तो एंटर करें, और 3000 का एक इमीडिएट लक्ष्य था जो फिलहाल हासिल हुआ है। मुझे लगता है जो करंट रैली है ये और एक्सटेंड होगी, 3080 से 3085 तक एक्सटेंड हो सकती है, जिसके बाद एक मुनाफा वसूली का दौर देखने मिलेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल जब तक 2700 के ऊपर है तब तक जो भी डिप आती है वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। नेक्स्ट पोजिशनल टारगेट मैं कह सकता हूँ कि 3210 का होगा। जी,
तो जैसे कि अमित सजय जी ने बताया कि 3050 से 3080 तक इसके बाद के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ से एक मुनाफा वसूली भी बनती नज़र आएगी। लेकिन उनका ये भी कहना है कि जब तक जो कीमतें हैं बिनौला खल की 2700 के ऊपर बनी रहेंगी, तब तक हर निचले स्तर पर खरीदारी में रहा जा सकता है। 2700 का लेवल बिनौला खल में सपोर्ट लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक बिनौला खल की कीमतें वायदा बाजार में 2700 के ऊपर बनी हुई हैं, तब तक हर निचले स्तर पर बिनौला खल में खरीदारी में रहा जा सकता है। अमित जी, आप बिनौला खल के बारे में बता रहे थे 2700 के लेवल से जब ऊपर कीमतें जब तक ऊपर है तब तक खरीदारी में रहा जा सकता है, तो आगे के पोजिशनल सपोर्ट क्या रहेगा, आगे कीमतें क्या रहेंगी? जी, जिस तरह मैंने बताया शॉर्ट टर्म टारगेट 3080 का होगा, लेकिन जो मीडियम टर्म टारगेट है आने वाले 1.5 से 2 महीने का, मुझे लगता है कि नेक्स्ट बड़ा टारगेट अभी 3210 का होगा, जो हमने अगस्त 2021 में लिखा था लगभग 5 महीने पहले, वो रिपीट होने की आशंका है। तो मैं यही कहूंगा कि 3080 से एक हल्की गिरावट देखने मिल सकती है, लेकिन उस गिरावट का फायदा उठाया जाए। 2870 से 2860 के बीच अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वहां पर अगर मिलता है तो वहां बाइंग की जा सकती है 3210 के लक्ष्य के लिए। जी, ये समी जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में देख रहे हैं कि लगातार 2-3 हफ्तों से गिरावट जारी ही है। धनिया अपनी ऊपरी स्तर से नीचे जाता नजर आ रहा है, हल्दी की कीमतों में गिरावट आई है, जीरे में भी देख रहे हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में मसालों में तेजी रहेगी या मंदी? जी देखिए, हमने हल्दी और धनिया में दोनों में ही तेजी का रुख देखा था पिछले कुछ दिनों में, और वहां से करेक्शन देखने मिली है। तो हमने धनिया में लगभग 9000 के ऊपर के लेवल देखे थे, और उसके बाद लगातार एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख रहे हैं, और मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी और टाइम जारी रहेगी। 8150 से 8200 तक के लेवल हमें धनिया में देखने मिल सकते हैं आने वाले एक हफ्ते में या लगभग 10 सेशंस में। उसी प्रकार हल्दी में भी मेरा मानना है कि मुनाफा वसूली जारी है, हमने 9000 के ऊपर के स्तर यहाँ भी देखे थे, उसके बाद फिलहाल जो प्राइजेस हैं वो 8940 के करीब ट्रेड कर रही हैं। तो यहाँ पर भी जो सपोर्ट है 8800 का ही है, तो वहां पर आके प्राइजेस संभल सकती हैं और उसके बाद तेजी जो है दोबारा बाजार पकड़ सकता है, लेकिन एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है मैं कहूंगा, तो कुछ दिन और चलने की संभावना है, 3 या 4 दिन और उसके बाद में तेजी दोबारा लौटने की आशंका है। जी, ये समय जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो ग्वार गम और ग्वार सीड में हमने देखा है कि आज लोअर सर्किट्स लगते नजर आए हैं। ग्वार सीड में 3% से ज्यादा, वहीं ग्वार गम में 4% से ज्यादा लोअर सर्किट लगते नजर आ गए हैं। आपको क्या लगता है आगे ग्वार में कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है? देखिए, ग्वार गम और ग्वार सीड दोनों में ही फिलहाल करेक्शन का दौर दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि बहुत भारी सेल ऑफ आएगा। हाँ, करंट मार्केट से जरूर ग्वार गम एक बार 10300 तक के स्तर दिखा सकते हैं आने वाले 2 या 3 सेशन में, मुझे लगता है कि माफा वसूली हावी रहेगी। लेकिन उन स्तरों से अगर लिया जाए और स्टॉप लॉस जो है वो 9700 का मेंटेन किया जाए तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहेगा, क्योंकि मिनिमम टारगेट 11400 के ऊपर होगा मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से, और ओवरऑल ऐसा लगता है कि 11900 से 12000 तक के भी स्तर लंबे अवधि के हिसाब से हमें दिखाई दे सकते हैं। तो इस गिरावट का फायदा उठाया जा सकता है, 10300 के करीब पोजिशनली ग्वार गम लिया जा सकता है, और उसी प्रकार ग्वार सीड में भी मुझे लगता है कि ये जो गिरावट है ये 2 या 3 दिन और जारी रहेगी, जिसके बाद एक पुल बैक या रैली हमें देखने मिल सकती है। जी, ये समी जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में भी आपका टारगेट अचीव होता नजर आया है, सोयाबीन में भी निचले स्तर से खरीदारी बनी है, और हमने 6300 के बाद 6400 के टारगेट सोयाबीन में अचीव होते हुए देखे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन 6400 के भी ऊपर 6500 या 6600 तक जाती नजर आ सकती है, या फिर सोयाबीन में यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी, जैसा हम आज देख रहे हैं कि सोयाबीन लाल निशान पर ट्रेड करती नजर आ रही है? जी, मेरा मानना है कि सोयाबीन में जो तेजी है ओवरऑल फिजिकल मार्केट में भी अगर देखा जाए तो अभी भी आसार बने हुए हैं कि तेजी की जो व्यू है वो जारी रहेगा। फिलहाल 6300 के करीब नियर टर्म जो चीजें वो चल रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर 6400 के ऊपर निकल जाते हैं तो लगभग 6800 जो रिसेंट हाईस थे वो दोबारा रीटेस्ट हो सकते हैं। निश्चित स्तरों से हमें 5800 से हमने अच्छी खासी खरीदारी लौटते हुए देखी, और मुझे लगता है ओवरऑल 6400 के ऊपर ये खरीदारी और एक्सटेंड होने की संभावना। जी,
समी जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि देख रहे हैं कि कॉटन की डिमांड भी है, लेकिन अब ओमिक्रॉन की वजह से जो पाबंदियां हैं वो भी कहीं ना कहीं लगती नजर आ रही हैं, तो आपको क्या लगता है, तो क्या कॉटन की डिमांड आगे भी ऐसी बनी रहेगी या फिर कॉटन में अभी थोड़ी गिरावट देखने को मिलेगी? देखिए, मुझे लगता है कि फिलहाल बाजार ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया है जो भी ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर। इनफैक्ट हम बाकी कमोडिटीज में भी कहीं ना कहीं देख रहे हैं जो इंटरनेशनली लिंक्ड है कि कुछ खास गिरावट नहीं है, इनफैक्ट बाइंग देखने मिली है पिछले कुछ दिनों में। तो यही दौर मुझे लगता है कि M6 कॉटन में भी रहेगा। 32,600 के जो लक्ष्य थे वो तो भी फिलहाल हासिल हो चुके हैं और वही लेवल अभी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा और मुझे लगता है ये जो तेजी है ये जारी रहेगी। और जो हमने नवंबर में 33,800 के करीब के हाइज देखे थे वो दोबारा देखेंगे जी। ये समय जी बात करें अगर मेंथा ऑयल की, तो मेंथा ऑयल में आपको क्या लगता है, क्योंकि मेंथा ऑयल में हमने रिसेंटली देखा था कि जो कंज्यूमर डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा गिरती नजर आई थी, तो आपको क्या लगता है आगे मेंथा में कुछ तेजी बनती नजर आ सकती है क्या साल 2022 में? जी देखिए, मेंथा में मेरा मानना है कि फिलहाल तो काफी समय से एक रेंज बाउंड मूव था, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में हमने प्राइस को 970 से 980 के ऊपर चलते हुए देखा है, तो इसके चलते ऐसा लगता है कि तेजी का रुझान दोबारा लौट रहा है बाजार में और हमें और भी आगे नई ऊंचाइयां देखने मिलेगी। इमीडिएट तौर पर 1000 का लेवल अगर निकल जाता है, जो सुनर लेटर निकल जाएगा, तो मेरा मानना है कि 1035 से 1040 तक के स्तर भी हमें देखने मिलेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस 1000 का स्तर जो है इम्पोर्टेंट है, तो वो निकलना जरूरी है। और डाउनसाइड में 968 से 965 का एक सपोर्ट जोन है, अगर वहां पर प्राइजेस मिले तो एक फ्रेश एंट्री ली जा सकती है, तो या तो 965 के करीब या 1000 के ऊपर जहां भी पहले प्राइजेस मिले वहां पर बाइंग पोजीशन बनाई जा सकती है। जी अमित जी, लास्ट क्वेश्चन रहेगा मेरा आपसे, आज के लिए टॉपिक्स क्या रहेंगे आपकी तरफ से जो साल 2022 में भी अच्छे मुनाफा देते नजर आ सकते हैं? जी, मेरा मानना है कि M6 कॉटन में हमें और पीजी एक्सटेंड होते हुए देख सकती है और 33,800 के शॉर्ट टर्म लक्ष्य लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार जिस तरह से हमने अभी मेंथा की बात की, तो मेंथा में 1000 के ऊपर अगर चाल आती है तो लगभग 4% की और पीजी यानी 1040 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कृषि फसल बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी कृषि फसल किस भाव पर कारोबार करती नजर आ रही है और इस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी। फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट MCV पर। अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाए, अपने कारोबार को बढ़ाए, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।